पहले मैं थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस करवा दूं अपनी ऑडियंस के साथ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. मेरा पर्सनल भी काफ़ी इंटरेस्ट था जब मुझे पता चला कि उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, तो आई वांटेड टू हेयर हर कि किस तरह से वो ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं. नाम से तो आपको पोस्टर में पता चल गया है कि उनका नाम इरम बीबी है. शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर. 2014 से वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. शी हैज़ डन हर एमफिल इन साइकोलॉजी फ्रॉम फातिमा जिना वुमेन यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी रही हैं रेलवे जनरल हॉस्पिटल में, और एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ है. करंटली जब पिछले कुछ महीनों में हम सब लॉकडाउन में चले गए थे, तो वो इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, और उनका अपना क्लिनिक भी है रावलपिंडी में. तो ज़्यादा देर नहीं करते और ना ही हम अपने गेस्ट को ज़्यादा वेट करवाते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं सो दैट शी कैन. आई होप एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो एक्साइटेड एंड एज एक्साइटेड एज आई एम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम कायनात. इराम, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आ रही है. आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही आ रही है. राइट. कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक. आप सुनाओ कैसे हो, और आपके प्लेटफॉर्म से सबको अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से भी. और मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ लाइव करने के लिए, क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है और मैं खुद भी इसके बारे में जानना चाहती हूँ. श्योर, व्हाई नॉट. इंशाल्लाह ये इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन. आपके प्लेटफॉर्म से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होंगे, इंशाल्लाह वो एड्रेस हो जाएंगे. बहुत से सस्पिशंस होंगे कि क्या है, कैसे होता है, क्या है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह. सही. तो प्लीज इरम थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करवाएं आप अपनी स्पेशलिटी से, थोड़ा सा हमें इलाबोरेट करके बताएं कि ये सारी चीजें क्या हैं और कैसे आपने इनका नॉलेज गेन किया. हाँ जी श्योर, वाई नॉट. आज सबसे पहले, एज ऑल ऑफ यू नो, माय नेम इज इरम बीबी, और करंटली मैं अपनी सर्विसेज रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद में दे रही हूँ. और सिंस 2004 मैं सबसे पहले पामिस्ट थी, एस्ट्रोलॉजर थी, नंबरोलॉजिस्ट थी, स्पिरिचुअल हीलर थी. उसके बाद 2010 में आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी इन बिहेवियरल साइंसेज, फिर लेटर ऑन एमफिल, और फिर मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी अपनी सर्विसेज दे रही हूँ. तो करंटली मेरा जो है क्लिनिक है वो रावलपिंडी में है, और मेरा जो वे ऑफ या मेथोडोलॉजी है टू ट्रीट समवन वो इस तरह से है कि पामिस्ट्री, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है. तो वो जो मैं लेटर ऑन आगे चल के बताऊंगी कि हाउ डू आई डील विद द क्लाइंट्स, तो वो सारा आपको इंशाल्लाह मैं क्लियर कराऊंगी. तो बेसिकली अगर स्टार्ट करें तो मैं इस चीज की तरफ कैसे आई, इट वाज इन माय रूट्स, इट वाज इन माय फैमिली, इट वाज इन माय ब्लड. मेरी नानी थी, शी वाज अ ट्रेडिशनल हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, वो ये सारा सिलसिला करती थी. तो अर्ली एज में मैं उनके साथ काफी ज्यादा रिलेटेड रही, तो फिर मैंने उनसे सीखा. फिर लेटर ऑन मेरी जो स्किल्स थी उनको मजीद पॉलिश किया. व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम धमल, वहां पे मेरे एक मुफ्ती साहब हुआ करते थे, ही वाज माय फादर्स फ्रेंड, तो उन्होंने मुझे वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिश किया. बिकॉज नानी जल्दी दुनिया से रुखसत फरमा गई, तो उनसे मैं कुछ ज्यादा सीख नहीं पाई. तो लेटर ऑन मेरे मुफ्ती साहब थे, उन्होंने मुझे काफी ज्यादा पॉलिश किया. तो जो इनिशियली मैं मतलब पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर पहले की थी, फिर बाद में जब मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजी के थ्रू एड्रेस हो सकती हैं, पामिस्ट्री में हर चीज का उस तरह से नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का नहीं है, तो फिर मैंने इसमें साइकोलॉजी में, और फिर मेरा बचपन से इंटरेस्ट भी था साइकोलॉजी की तरफ, तो फिर मैंने मतलब लेटर ऑन एज अ साइकोलॉजिस्ट भी, अभी मैं एक ब्लेंड सा अपने क्लाइंट्स के साथ इस सिलसिले में करती होती हूँ, वो मैं बताऊंगी आगे. वेरी 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 नाइस. ये तो बहुत ही मजे की बात है. थैंक यू. तो अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि आप कैसे इसके अंदर आई हैं. अब थोड़ा सा ये बताएं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो लाइक जैसे हम जोडियक साइंस की बात करते हैं, ये सिर्फ उसी तक लिमिटेड है या इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं?
एस्ट्रोलॉजी एक बकायदा एक पूरे एक डोमेन है जिसके अंदर आगे सब डोमेन्स हैं। सबसे पहले तो ये एक साइंस है, ठीक है। आप इसमें सिर्फ एक इंसान की ह्यूमन नेचर, या आप ये कह सकते हो कि सिर्फ साइकोलॉजी से या सिर्फ लाइफ पाथ इवेंट्स से रिलेटेड ही नहीं आप सारी चीजों को डील करते, बल्कि इसमें आप प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, लाइक कंट्रीज को आप स्टडी कर सकते हैं, आप वेदर को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। यानी ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन साइकोलॉजी, और उसको लॉन्ग टर्म में करें तो पूरी दुनिया कायनात आप एक 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 चीज के बारे में बता देते हो। लाइक जब हमारे पास्ट में जिस तरह पता चलता है बहुत सारी ऐसी रवायात मौजूद हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होना था तो उससे पहले आसमान पे सितारों को देख के उस वक्त के जो एस्ट्रोलॉजर थे तो उन्होंने बता दिया कि ये वो सितारा पैदा हो गया, तो अब वो जो मसीहा है वो आएगा, जो नबी खुदा है वो जहूर उनका हो गया, आज उनकी बर्थ हो गई और उसी रात उनकी बर्थ होती है। तो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही बारे में भी प्रेडिक्शंस थी। तो ये है कि दिस इज नॉट ओनली रिलेटेड टू 12 जोडियक साइंस कि भाई क्या है पाइसेस कैसा है, तो जेमिनाई कैसा है, एरीज कैसा है, ये तो बहुत वसी है। उसमें से एक सब डोमेन आप ये कह सकते हो कि हम जहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं उन जोडियक साइंस के अंदर रहते हुए, उन 12 जोडियक साइंस के अंदर रहते हुए। सही। तो इरम, क्या इसका जोडियक साइंस का कोई इम्पैक्ट होता है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ? मतलब ये भी चीजें हमें पता चल जाती हैं कि इन स्टार्स के अंदर ये वीकनेसेस हो सकती हैं लेटर ऑन, या इस तरह के डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं? कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है इसका? बिल्कुल, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन है। इसी चीज को मजीद स्टडी करने के लिए ही मैंने साइकोलॉजी में मजीद अपनी स्पेशलाइजेशन की। नंबर वन, देखिए, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, सी एंड डी, ठीक है, मेन ये फोर टाइप्स है अगर हम इनको डिस्कस करें। अब एक टाइप ए पर्सनालिटी है जो गोल ओरिएंटेड है, ठीक है, वो अपने हाथ की लाइंस दिखाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होगा। जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन क्या, किसी भी किस्म की सेटिस्फेक्शन उनके अंदर हमेशा डिमिनिश्ड या लैग या बिल्कुल ही जीरो के बराबर होगी। अब वो जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी असेसमेंट हाथ के देख के करती हूँ, पॉमिस्ट्री के थ्रू या उनकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और फिर मैं उनको वे आउट बताती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ये है। अब पहले तो नहीं पता होता, जैसे जैसे मैं उनका एक्सप्लोर करती हूँ, डिटेल्स चेक करती हूँ हाथ की, फिर उसके बाद लास्ट सेशन में मैं क्लाइंट को इजाजत देती हूँ कि अब आप बोले, पहले मेरा सेशन होता है सारे का सारा, अब आप मुझे अपनी पर्सनैलिटी के बारे सही में बताएं। सही। फिर जब पता लग गया कि टाइप ए पर्सनैलिटी है, ये टाइप बी पर्सनैलिटी, ये टाइप सी डी, उसके मुताबिक फिर मैं उनको आगे सजेशन देती, अब आपने ऐसे करना है, आपके अंदर जैसे टाइप ए पर्सनैलिटी, उनके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है, उनकी नींद के डिसऑर्डर्स, सही। जो इश्यूज है, पुअर हाइजीन, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसको उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, स्लीप हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए फिर मैं उनको टिप्स आगे बताती हूँ जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करती है। तो यस, आप पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में जोडियक साइंस पे ये सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लाइक पाइसेस अगर है एक, क्योंकि मेरा फेवरेट स्टार भी है पाइसेस, एरीज एंड कैंसेरियंस, तो इनके बारे में सर मेरी ज्यादा एक एनालिसिस रहता है। अब पाइसेस जो है वो दो फ्लोज में वो हमेशा रहेगा, पॉजिटिव्स में भी नेगेटिव्स में भी, एक तरफ हैप्पीनेस भी एक्सट्रीम पे होगी, एक तरफ फियर्स भी उसके एक्सट्रीम पे होंगे। अब उसको बैलेंस करने का तरीका जो है वो मुझे साइकोलॉजी सिखाती है। तो यस, यू कैन रिलेट जोडियक साइंस विद द साइकोलॉजी। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, मैंने बड़ा उसको ब्रीफ सा करके दिया है। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके फेवरेट स्टार्स में पाइसिस भी है, क्योंकि जी, मेरा अपना स्टार पाइसिस है, तो ओह मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सुन के वाह, कि अच्छा, तो ये भी है, चलें, दैट्स एक नाइस। सेकेंड, और ये किसी ने पूछा व्हाट अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस जो होता है ना, ये बड़ा प्यारा सा, खूबसूरत सा, भोला सा स्टार है, जहां पे भी अच्छा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है एक्वेरियस की, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए इनसे सर्विसेज करा लो। ये नहीं देखते कि मैंने सुकून करना है, आराम करना है, बस किसी का रोना धोना इनसे नहीं देखा जाएगा। और इनके लिए जब मैं ऐसे एक्वेरियस को जब मैं स्टडी करती हूँ, तो सबसे बड़ा उनके लिए इशू ये होता है कि जब एक बंदा उसने उनके साथ बुरा किया होता है पास्ट में, और वो बंदा फिर फ्यूचर में उन्हें कॉन्टेक्ट करता है कि अब आप मेरी ये हेल्प कर दें, वहां पे एक्वेरियस
के लिए एक बड़ा सोच का मुकाम आ जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसकी हेल्प करूं या ना करूं, या मैं क्या करूं। फिर एक्वेरियस अपनी आदत से मजबूर, ह्यूमैनिटेरियन एक स्टार है तो फिर ही उनके आगे हेल्प आउट उन्हें कर देते हैं। जी प्लीज आप सही। कुछ अच्छा, पूछनी थी। मैं इन्हीं की बात करती हूँ, वजीहा की, जिन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट एक्वेरियस। जी वजीहा मेरे साथ एज अ वॉलेंटियर काम कर रही हैं, तो इनका अच्छा साइकोलॉजी से ना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सही, अच्छा ये बायोमेडिकल साइड की बंदी हैं और ये मेरे साथ इसलिए काम कर रही हैं ताकि लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दे सकें। तो मैं परफेक्ट। बिल्कुल 100% आपकी बात से एग्री करूंगी कि इनके अंदर वो ह्यूमैनिटी से जो लव और कनेक्शन है ना, ये काफी ज्यादा है। वरना बहुत कौन अपनी फील्ड के अलावा किसी और फील्ड के बारे में कहेगा कि चलो मैं वॉलंटियर काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। राइट। बट शी इज डूइंग विद मी, तो डेफिनेटली मैं तो इस चीज से बिल्कुल एग्री करने हाँ वाली हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो कौन से ऐसे स्टार्स होते हैं इरम, जिनको सबसे ज्यादा साइकोटिक डिसऑर्डर्स डेवलप करने का डेंजर होता है? जितना वैसे तो ये है कि इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक स्टार, ये पर्सनालिटी टाइप पे भी एक चीज आ जाती है, ठीक है। आपको मेरी लेकिन जो आवाज आई मेन है? मुझे आई है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन मैंने समझ लिया। तो जो होते हैं ना ये, ठीक है, पर्सनालिटी में आते हैं। साइकोटिक तो इनको हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि स्ट्रेस्ड आउट हो जाने वाला स्टार, इजीली स्ट्रेस पे चले जाना। ज्यादा मैंने देखा है स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस को सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल स्टार है। इनके साथ ये चीज काफी ज्यादा रहती है कि इनके अंदर साइकोसिस के अर्ली सिम्टम्स आ जाएं तो वो आइडेंटिफाई हो जाएं तो चीजें ठीक हो जाती हैं। और मैं उनको स्पेशली ये बात बताती होती हूँ, इमोशनली डिस्टर्ब वो सबसे ज्यादा होते हैं, उनको समझा नहीं जाता, उनके काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। साइकोसिस की जहां तक बात की जाए तो यस, फिर मैं वही बात कहूंगी कि इसको मैं जनरलाइज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी अपनी रिसर्च हो सकती है, या जितनी रिसर्चेस मैंने स्टार्स के बारे में पढ़ी कि जो है स्कॉर्पियो के अंदर ये टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, और कहीं ना कहीं पाइसेस के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो बी केयरफुल। ये एक तरह से ऐसी डराने वाली बात है। आवाज आई आपको? कायनात ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है।